करने वाले हैं 1 lakh rupees ब्लू ट्रैप चैलेंज। यहाँ पर हमारे पास में है 4 बकरे अबे साले, जो कि अलग अलग ग्लू ट्रैप्स में जाएंगे। गाइस मैं पिछली बार ग्लू ट्रैप में फंसा था और मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा बेकार होता है, कितना ज्यादा फंसाता है। यहाँ पर है गाइस ग्लू ट्रैप की पूरी सीरीज। फटाफट से शुरू करते हैं और आप लोग ऐसे ही मजेदार चैलेंजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। गाइस हमारे 50% से ज्यादा ऑडियंस ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस क्यों नहीं करते भाई, प्लीज कर लो, फटाफट से शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। चारों लोग यहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म में तैयार है। इन्होंने वाटरप्रूफ जैकेट्स पहन रखी है ताकि इनके ऊपर ग्लू ना लगे, क्योंकि ये ग्लू अगर एक बार हाथ पैर पे लग जाता है तो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये वाला जो सबसे बड़ा 8x8 feet का ग्लू ट्रैप है, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि पिछली बार इसी में फंसा था और ये सबसे बड़ा है। गाइस इसमें 2 टास्क रहेंगे। एक वहां पर एक बजर लगा हुआ है, इस बजर को बजाना है, वहां से एंट्री लेनी है, बजर बजाना है। उसके बाद में यहाँ के घंटी मिलेगी, इस घंटी को बजाना है 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से बाहर निकलना है और इस साइड में एस की शेप वाले ग्लू ट्रैप में घुसना है और तीर के साथ में निकल जाना है। इसके बाद में अगले ग्लू ट्रैप में आना है और जहां पर हाथ और पैर के निशाने वहां पर अपने हाथ और पैर रखने हैं। उसके बाद में क्रेजी ट्रैप में आएंगे और यहां पर वो झंडे को उठाना है यहां पैर रख के, तो चाहे इसके ऊपर लेटो चाहे चढ़ के जाओ चाहे कुछ भी करो, उसको वापस लेके आना है, इससे फ्री होना है और आपका टाइम एंड हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन जाना चाहता है? जाएगा कोई नहीं, मैं जाऊंगा। गाइस सारे लोग एक एक करके जाएंगे और इनका जो टाइम है वो मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर लूंगा स्टॉप वॉच से। 1 lakh के लिए तो बोले। इन ग्लू ट्रैप्स के अंदर जो ग्लू है वो एक्चुअली में चूहों वाले ग्लू ट्रैप्स वाला ही ग्लू है, तो जैसे चूहे चिपक जाते हैं वैसे इतने बड़े साइज में इंसान भी चिपक जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो का लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, देख लेना मैं कैसे चिपका था भाई। चलो तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है इन 3 2 1 भाई। सबसे पहले वहां पे रखा है पैर और बजर तो बज गया भाई, बजर तो बज गया, बजर तो बज गया। तो गाइस एक पैर बड़ा रखा, हालांकि स्टार्ट यहां से करना था बट कोई बात नहीं, अगली बार यहीं से कराएंगे। ओ भाई एक पैर तो उखड़ गया है। 31 सेकंड हो चुके हैं और सिर्फ एक ही टास्क कंप्लीट हुआ है अभी तक भाई, और अगर इसमें कोई गिर गया ना तो ये मान लो उसको तो आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। बजर बज गया, नहीं घंटी बज गई, कोई बात नहीं। हाँ मूवमेंट हो ही नहीं रहा। 1 minute 9 seconds हो चुके हैं टोटल। ये यार गलत जगह रह गया, एक जूता और बचा अभी अंदर रह गया भाई, जूता रह गया अंदर भाई। ये क्या चैलेंज है यार, मैं तो बैठ गया खाली, इतना टाइम हो गया इसमें 1 minute 50 seconds में इसमें से निकला गया भाई। और तीर के साथ ही जाना है यार। गाइस इससे ज्यादा स्लो रेस मैंने कभी नहीं देखी। 2 minute 9 seconds हो चुके हैं और बंदा वहां से यहीं पे आ पाया अभी तक। ओ भाई ग्लव्स वगैरह रह गए, इसमें घूम के आना है, घूम के आना है। रुको वेट, कैमरा भी गिरे, चलो चलो तुम रेस चल लो, रेस चल लो मैं कर दूंगा। टाइम जा रहा है, फटाफट कम ऑन भाई। इसमें जब बंदा चलता है ना तो बहुत ज्यादा थक भी जाता है और आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। दोनों पैर रख दिया भाई, दोनों मार्क के ऊपर, ग्लव्स नहीं चाहिए, ये लगे हाथ और भाई इतनी स्लो रेस यार, इतनी स्लो रेस। ये साथ ही आ रहा है, पकड़ लो इसको, अरे पकड़ लो यार, ये साथ खींच लो मेरे। और यहाँ पे ओए ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वापस वापस कम बैक, कैसे वापस आओ भाई, यहाँ से पैर यहाँ रखने थे, उसको पकड़ना है सीधा, पैर ऊपर नहीं जाने। अच्छा। हाँ यहाँ से हाँ हाँ बस हाँ ऐसे यहाँ लेटना पड़ेगा भाई,
हाँ ऐसे तो पूरा अटक गया। ये आ गया झंडा, लेकिन गाइस टाइम अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इससे निकलना पड़ेगा पहले। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये फट गया, ये फट गया, ये यहाँ पर कोड फट गया भाई। ओ क्या हाल हो गया भाई, क्या हाल हो गया भाई, इससे निकलना ही सबसे ज्यादा खतरनाक है एक्चुअली में। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इसे बाहर निकलो फटाफट फटाफट फटाफट, और टाइम खत्म होता है। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अब गाइस इनको लगे हैं 4:59.61 यानी कि कुल मिलाकर के 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम लगा है वहां से यहां तक आने में। अब आप सोचो कि ये रास्ता कितना मुश्किल होगा, इतनी सी दूरी में 5 मिनट लगे हैं। चलो भाई नेक्स्ट कंटेस्टेंट, और देखते हैं कि कौन जीतता है 1 लाख। क्या लगता है तुमको कितने टाइम में निकल जाओगे इसमें? लगता है मैं 2 मिनट में निकल जाऊंगा। 2 मिनट निकल जाएगा, कितनी देर में निकल जाएगा? तकरीबन 3 मिनट, 2.5 मिनट। जीत गया, मुझे वैसे दे दो 1 लाख रुपया। अरे मुझे दे दो 1 लाख रुपया, 2 मिनट पहुंचने वाला हूं यार। अगर तू 5 मिनट से ज्यादा लगा देगा तो वैसे ही हार जाएगा, ठीक है? जा, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है इन 3 2 1 गो। मुझे रूल समझा दो, मैं भूल गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहाँ ऑयल लगा लिया? मोशन डबल है इसके। ओ भाई हाथ में तेल लगा गया है और पैरों में लगा के आया है टेप। अब लगा ले वो टेप लगा ले। भाई भाई ग्लव्स रह गए इसके, ग्लव्स ही रह गए इसमें। ओए ना ना ना, बाहर से नहीं छेड़ो, बजा दे बजर बजर। ओए कितना तेल लगा रखा है इसने हाथ पैर में। ओए तेल मत लगाना रे यार। हाँ बज गई। चलो घंटी बजानी अभी। और भाई ऑलरेडी इसको 1:19 हो चुके हैं इसके अंदर। दिमाग होना चाहिए, खुद के पैर उठा उठा के रख रहा है भाई। अभी तू ही जाएगा इसके बाद। मैं देख रहा हूँ इसका, ये क्या क्या स्ट्रगल करेगा ये। बज गई घंटी। बबलू तो 2 मिनट में आ रहा था, 2 मिनट तो हो चुकी है। भाई इससे ज्यादा स्लो कुछ नहीं चलता, इससे ज्यादा स्लो का छुआ भी नहीं चलता। क्या आ गया भाई तेरी। गाइस ये जितना आसान दिखता उतना आसान बिल्कुल भी नहीं। इसमें घुसा, ये घुसा भाई ये एस कर्व में और ये गया नीचे। नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना, तीर तीर। अरे तो तीर का निशान नहीं दिख रहा तेरे को इतना बड़ा बड़ा। निकल निकल निकल, ये निकल गया भाई इसमें से तो। अरे ये है, हाँ देख ले वो कर ले फिर। जहाँ हाथ वहां हाथ, जहाँ पैर वहां पैर। ये रख दिए भाई, वो वाला पैर सही 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 पूरा भाई पूरा ठिकाना। ये देख कहाँ तक है पंजे, सिस्टम हैंग हो गया। चल निकल जा बाहर बबलू, 4:40 हो गए। जल्दी जल्दी जल्दी, 20 सेकंड बचे अभी, जीत जाएगा अभी तो। जल्दी फास्ट फास्ट गवान, जल्दी झंडी ले आ जल्दी। पैर यहाँ रखने पैर यहाँ रखने। अरे ये तो इसमें उलझा रह गया यार, कहाँ झंडी लेके आएगा वो भाई। 4:52 हो गए, जल्दी 7 सेकंड बाकी है, जल्दी फास्ट 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 फास्ट। हाँ कूद जा कूद जा कूद जा। अब ले झंडी तो ले ली, हार गया। नहीं अरे आजा आजा वापस तो आ तू। भाई कैसे फंसा हुआ है ये इसके ऊपर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ओए हाय 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 हाय, पैंट निकल गई भाई, खतरनाक है भाई। नहीं अब निकला भाई बाहर, और ये हो गई स्टॉप 5:57। तो भाई बबलू ने रेस पूरी करी है 5:57 में या 5:56 में, ठीक है? बताओ लूजर को क्या मिलेगा?
लूजर को मिलेगा इस वाले ग्लू ट्रैप में तैरने का मौका। हाँ अब ठीक है, तू जाएगा भाई, तेरा नंबर है, तू ही लेट कर रहा है। मैं तो दो मिनट में करने वाला हूँ, मैं लास्ट में जाऊंगा। तीन मिनट में कर लूँ, तू जा भाई, तू जा, मैं नहीं जा रहा। गाइस पहले इनको डिसाइड कर लेने देते हैं कि पहले कौन जाएगा। राहुल जा रहा है, राहुल भाई मैं नहीं जा रहा। तो भाई ये दोनों लोग मानने को तैयार नहीं है। और एक सेकंड, मेरा एक फोन आ गया भाई, ये कर लो बिजली फिटिंग का, ये कर लो पहले। हाँ जी भाई साहब, चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। भाई कॉल भी आया तो ऐसा आया जो गलत मिल गया यार। कौन पेपर सीजर राहुल, चल। तो गाइस अभी राहुल जाएगा, रुक जा, स्टॉप वॉच चालू कर लेते। क्या लगता है तुझे कितनी देर में पहुंच जाएगा? तकरीबन चार मिनट। चार मिनट बढ़ गया, टाइम हो गया, टाइम स्टार्ट। दो सेकंड ऐसे गए। बच गया भाई, बच गया, बस उतर आ गया। घंटी बजा दी भाई, इसने 13 सेकंड में बजा दिए, इसने 13 सेकंड में बजा दिया। उतर ही गया भाई, भाई जूते छोड़ के गया, सिर्फ एक पैर फंस गया इसका। उतरी 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 24 सेकंड में भाई, ये तो इसमें पहुंच गया। लेकिन जो भी हो रहा है इसकी किस्मत में हो रहा है। अरे ओ, ये तो जुराब ही निकाल दिया, ये तो जुराब निकाल के भाग रहा भाई। उतरी उतरी इसमें भी निकल गया भाई। ये कैसे करके भागा वे? अरे ऐसे नहीं जाना था। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे लेट ना है उस पे, लेट नहीं था। अरे तो लेट नहीं था, उठेगा उसको, उठना तो उसको ही पड़ेगा। ओ बॉय, अबे क्या किया इसने? ओ भाई ट्रैप ही गिर गया, ये बंद। ओ भाई, ओ भाई, इसने इसने इतने कम टाइम में किया है कि भाई आप लोग सोच नहीं सकते हो। लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, दिखाइयो दिखाइयो, दिखा 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 दिखा, अरे तो दिखा तो दे, तो क्या है, क्या कहाँ? अबे अंदर कुछ नहीं पहना, पहना है ना? अरे मैं वो चिपक गया। ये क्या कर रखा है इसने? अरे यार इसका ये भाई, इसके कपड़े फट गए, लेकिन 1 लाख रुपए ले जाने का चांस बन गया इसका। 1 लाख से नए कपड़े लेके आऊंगा। ये खड़ा है यहाँ पे बंदा, ठीक है, ये खड़ा है मर्द का बच्चा। अगर इससे ये मर्द का तो मर्द का ही बच्चा है, देखो हंस रहा है, वो हंस रहा है, मर्द का बच्चा बोले। ये अगर अगर इससे जल्दी तू निकल गया ना तो तू जीत जाएगा, उन दो लोगों से तो इससे ये आगे है। ठीक है, ठीक है, टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तेरा। 1 लाख रुपए जीतने का मौका है, अगर नहीं पहुंचा तो 1 लाख गए, अगर जल्दी पहुंचा तो 1 लाख जीत जाएगा। तेरा टाइम स्टार्ट होता है इन 3 2 1 गो। भाई टेक्निक तो लगाई है इसने, ये इधर पे घंटी बजाई 10 बार। ओ भाई चल तो सही रहा है अभी तक, लेकिन अब आगे क्या होगा ये नहीं पता भाई इसका। ओ भाई बड़े बड़े पैर रख रहा है भाई, बड़े बड़े पैर रख रहा है। ओ भाई बड़े 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 पैर रख के भाग रहा है। टाइम नहीं बताऊंगा गाइस, इसका टाइम नहीं बताऊंगा। वही फर्स्ट 1 लाख। गाइस इससे भी निकल गया ये, और ये फास्ट नहीं होते जा रहे ये लोग, और झंडी उठाएगा ये। लेकिन तब उठाएगा जब वहां पहुंच पाएगा। ये उठाई झंडी, सब बिखेर दिया और झंडी चिपक गई, झंडी टूट गई, झंडी चिपक गई, और ये खुद भी फंस गया इसमें। फंस गया, अबे यार कैसे फंस गया ये। गाइस क्रेजी ट्रैप इसका बहुत सारा टाइम ले डूबा है भाई, इसका बहुत सारा टाइम ले डूबा क्रेजी ट्रैप, और इसमें से निकलने में इसकी होगी हालत खराब, और अभी भी नहीं निकला, ये निकल गया भाई। गाइस ये है मोहित, अपना जैकेट फाड़ फूड़ के यहाँ पहुंच गया फाइनली। चलो गाइस अब बताते हैं कि विनर कौन है। मैं हूं। नहीं वो तो अभी पता चलेगा कौन है। आ जाओ इधर, आ जाओ जहां से शुरू किया था, सब लोग यहीं पे आ जाओ। गाइस चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, विनर की बारी है। आपको ये तो पता है कि बबलू और शशि ये दोनों लोग तो सबसे पीछे रह गए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया था, और बबलू इस चैलेंज का लूजर भी है, ये भी सबको पता है, 5 मिनट 57 सेकंड के साथ में।
शशिकांत ने टोटल टाइम लिया है 5 मिनट का, तो इसलिए ये है तीसरे स्थान पे। अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का रिवील करते हैं गाइस। यहाँ पर है मोहित, यहाँ पर है राहुल। गाइस इनमें से विनर पता है कौन है? गाइस विनर है बिग बॉस खेल लो पहले। चलो गाइस तो गाइस एक्चुअली में राहुल ने टाइम लिया है 1 मिनट 4 सेकंड का। यार 1 मिनट 4 सेकंड हमारा और मोहित ने टाइम लिया है 1 मिनट। अरे यार 1 मिनट 2 7 पहले की 27 सेकंड का, इसलिए मोहित विनर नहीं है, विनर है राहुल। तो गाइस इस चैलेंज को जीत लिया है फाइनली राहुल ने, और यहाँ है 1 लाख रुपए जो कि हुए हैं अभी फिलहाल राहुल के। अरे फोटो खिंचा ले। तो राहुल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बाकी लोगों को बहुत बहुत थू 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 ठीक है। और बबलू जो है अभी उसकी सजा बाकी है गाइस, इसके अंदर स्विम करना है, मतलब इसमें पढ़ना है गाइस। चल भाई कपड़े पहन लेते रहे गाइस। ये है बबलू की सजा, डालो डालो इसको, नहीं फेंकना नहीं है इसको, इसमें डालना है। तो भाई ये है चैलेंज हारने की सजा, सजा हाँ रख ले पैर रख ले। ये कौन राहुल ये लेट गया भाई, नोरा फतेही करना, नोरा फतेही करना एक बार, नोरा फतेही तो कर दे एक बार, 3 साल लग जाएंगे, नोरा फतेही करियो। अरे और इसी अब ये ज्यादा फंस गया, अब ये ज्यादा फंस गया, उसी में हो गए यार, निकाल दो यार, मैं जूते नहीं टेकना चाहता। हम भी देख लेते हैं पिक्चर, पिछली बार जैसे मैं फंसा था और ये देख रहे थे। तो भाई अगर आपको मजा आया इस चैलेंज के अंदर तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना, और भाई मैं साफ साफ कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसमें फंसने के बाद में निकलना बहुत मुश्किल। देखो उसके पैर में पानी की बोतल चिपक गई है, नहीं करना चाहिए, 1 लाख रुपए के लिए ट्राई करो। ठीक है अगर कोई 1 लाख रुपए दे तो भाई ट्राई कर सकते हो, मत करना भाई प्लीज, बहुत डेंजरस है। और यार ये ग्लू ट्रैप जो है ना ये मच्छरों को भी बहुत ज्यादा, वो सॉरी ये चूहों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मच्छरों का तो कुछ नहीं हुआ इसमें, तो जीत गए, लेकिन जो चूहे हैं ना उनको ये बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस इस तरीके के ग्लू ट्रैप्स का यूज मत किया करो, चूहों के लिए पिंजरा लगा दो, पकड़ो और कहीं छोड़ दो, क्योंकि चूहे अगर इसमें फंस जाएंगे उनकी मौत हो जाएगी, वो भी जो भी है, लेकिन उसके अलावा जब उनकी मौत होगी ना तो वो इतना ज्यादा तड़पते हैं क्योंकि इसमें फंसे रह जाते हैं, ना हाथ हिलता है ना उनका पैर हिलता है, और भूखे भूख प्यासे मर जाते हैं, और लोग उनको पता है जिंदा को डस्टबिन में डाल देते हैं। भाई प्लीज ऐसा मत करो, अगर चूहा फंस भी गया तो उसको तेल से छुड़ाओ, ऑयल से, जब इसमें वेजिटेबल ऑयल लगता है तो ये छूट जाता है, तो किसी चूहे को प्लीज डस्टबिन में मत फेंकना भाई, जानवर को भी दर्द होता है, वो पैदा हो गया उसकी गलती नहीं है, उसको पिंजरे में पकड़ के ऐसी जगह छोड़ दो जहां वो अपनी जिंदगी जी ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, नमस्कार, जय हिंद।